गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन योर ब्यूटीफुल चैनल एमएन स्टडी। सो गाइस, पिछले कुछ क्लासों में अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले पेरिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस की पेरिटी क्या होती है, क्या नहीं होती, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये तो पढ़ेंगे ही, लेकिन एक बात अपन देखते हैं कि डी ब्रोगली ने क्या कहा था 1925 में। देखिए 1925 के अंदर डी ब्रोगली ने एक बात कही थी। 1925 में डी ब्रोगली क्या कहा था, तो मुझे कौन दो, मैं तुम्हें अजय दू, नहीं गलत बात। उसने कहा था कि हर एक मेटल के साथ में, हर एक मेटेरियल के साथ में, मेटल पार्टिकल के साथ में वेव एसोसिएट रहती है। भाई दिखती है क्या, नहीं दिखती है, लेकिन वो जब चलता है ना तो वेव की तरह चलता है, ऐसे चलता है। देखिए मान लीजिए यहां से इस मेटल ने चलना स्टार्ट किया, ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे चलना, ठीक, ये वेव दिख गई, ठीक। अब इस वेव का मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या दिया, एक वेव फंक्शन दिया साइन एक्स वाई जेड। ये स्पेस कोऑर्डिनेट है और इसमें टाइम कोऑर्डिनेट भी होता है। ये इक्वेशन इस पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक। ये क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट। अब पेरिटी इसी से निकल गया। पेरिटी क्या, कैसे निकल गया है? कि अगर मैं इन स्पेस कोऑर्डिनेट का इन्वर्जन कर दूं, मतलब कि इसका नेगेटिव साइन ले लूं, तो क्या चीज बनेगी, वही अभी अपन देखने वाले हैं, वही पेरिटी का कंसेप्ट छिपा हुआ है। देखिए कि अगर मैं इवन पेरिटी या प्रतिबंध, इवन पेरिटी में लिख लिया, जस्ट लिख लिया, ऐसा समझ लो, कुछ ही नहीं किया अभी, करने वाला हूं अब। देखिए अगर मैं यहां माइनस एक्स स्पेस कोऑर्डिनेट को, ओनली स्पेस कोऑर्डिनेट को इन्वर्ट किया, यानी नेगेटिव किया, तो क्या दी, क्या चीज आई, ये दी, वापस मेरे को ये स्पेस कोऑर्डिनेट मिल जाता है, लेकिन इनका इन्वर्जन हट जाता है। अगर इस टाइप से आपके पास कोई चीज मिलती है, स्पेस कोऑर्डिनेट को आप अगर इन्वर्ट करते हो, नेगेटिव साइन लेते हो, और वापस वही मिल जाता है पर उसमें नेगेटिव साइन नहीं मिलता है, तो ये जो पेरिटी होती है उसको इवन पेरिटी कहते हैं। पेरिटी टू टाइप की होती है, इवन पेरिटी और ऑड पेरिटी। अब बात करते हैं ऑड पेरिटी। ऑड पेरिटी, ऑड पेरिटी में क्या होता है मेरे दोस्त, सीखना कि अगर स्पेस कोऑर्डिनेट को मैंने इन्वर्ट किया, अगर स्पेस कोऑर्डिनेट को इन्वर्ट किया तो मेरे पास आगे नेगेटिव साइन आता है। स्पेस कोऑर्डिनेट तो ही, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन आता है, तो इस प्रकार की जो पेरिटी होती है उसको ऑड पेरिटी कहते हैं, ठीक है। इसका इतना ही काम है, और नोट मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, बस 8-10 लाइनें लिखनी है, जो कि रामकालीन है, बिल्कुल छोटी, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।